का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। कलेक्टर से मिले निर्देशों के बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए नाहरपुरा क्षेत्र से सड़क पर पसरे पड़े हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की शुरू। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा राजस्व अधिकारी को ज्ञापन। जैन समाज के पावन तीर्थ श्री समय शिखर जी के पर्यटन वाले अध्यादेश को वापस लेने के केंद्र सरकार के निर्णय पर जैन समाज ने जताई खुशी। शहर विधायक ने भी किया केंद्र मंत्री के निर्णय का स्वागत। जिला अस्पताल में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने समीक्षा बैठक आयोजित की। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा नाहरपुरा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान व्याप्त अतिक्रमण देखकर निगम आयुक्त को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर से मिले निर्देशों के बाद निगम दस्ते ने नाहरपुरा क्षेत्र में पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का कार्य दोपहर बाद शुरू किया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा एक संयुक्त प्रदर्शन करते हुए अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर कलेक्टोरेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में चुनाव के नजदीक आते ही अब अधिकारी कर्मचारी भी अपने लंबित मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। जहां प्रदेश में कई कर्मचारी संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन के खिलाफ आंदोलन करते हुए मांग मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा एक संयुक्त प्रदर्शन करते हुए अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर कलेक्टोरेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में प्रदेश शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही कर्मचारी नेताओं का कहना था कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी थी, जिसकी वजह से 14 वर्षों से सत्ता का इंतजार कर रही है, और यदि मामा जी हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो उनकी हालत भी पूर्व के सरकार की तरह कर देंगे। झारखंड जैसा मामला ये सरकार को दिखाना चाहिए। मामा जी आज समझ जाए, कर्मचारी वो कर्मचारी है दिखी सरकार को 15 साल हो गए यहाँ तक नहीं आ पाए, और हम मामा जी जाएंगे तो वापस कभी आने की संभावना नहीं होंगे। ये संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा की तरफ से हवाल करता हूँ, यदि मामा जी मान जाए तो ठीक है, नहीं तो 20 साल तक यहाँ देखते रह जाएंगे एमपी में कि मामा जी कब आ रहे हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन राजस्व अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के अवसर पर जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी एवं सदस्य गण मौजूद रहे। जैन समाज के पवित्र तीर्थ श्री समय शिखर जी के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला दिया है, जिसका रतलाम के जैन समाज के साथ ही शहर विधायक चेतन काश्यप ने स्वागत किया। जैन समाज के पवित्र तीर्थ श्री समय शिखर जी के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला दिया है, जिसका रतलाम के जैन समाज के साथ ही शहर विधायक चेतन काश्यप ने स्वागत किया है। इस फैसले के चलते बीते 1.5 माह से चल रहा सरकार और जैन समाज के बीच गतिरोध अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने श्री समय शिखर जी तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बरकरार रखने की बात कही है, उसे टूरिज्म के रूप में विकसित करने के अपने फैसले को वापस लिया है। साथ ही इस पूरे मामले में झारखंड सरकार को निर्देशित किया है कि अधिसूचना के प्रावधानों की निगरानी के लिए जल्द ही नई कमेटी गठित करें, जिसमें स्थानीय के साथ जैन समाज के 2 सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। ज्ञात रहे कि सकल जैन समाज द्वारा इस मामले में रतलाम के अंदर हजारों की संख्या में शामिल होकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश का विरोध किया गया था, एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय महेंद्र गादिया के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया था।
वहीं शहर विधायक चैतन्य काश्यप उस वक्त क्रीड़ा भारती की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी भावना भी सकल जैन समाज से जुड़ी हुई है और यदि मैं लखनऊ में नहीं होता तो निश्चित ही उस वक्त विरोध प्रदर्शन में शामिल होता। उसके बाद शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखते हुए अध्यादेश वापस लेने की मांग की थी, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करके गुरुवार के दिन अध्यादेश वापस लेने की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने केंद्रीय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। यादव जी, वन मंत्री के द्वारा जारी अधिसूचना के शिखर जी जैन समाज का पवित्रतम स्थल है और इस पवित्र पर्वतमाला का संपूर्ण रूप से संरक्षित किया जाएगा। वहाँ पर जो भी कार्य होंगे वे जैन समाज के साथ सहमति के साथ में होंगे। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अनुमोदना करते हैं कि देश में हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाने में उनके हमेशा यही तत्परता बनी रहे। जैन समाज उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर द्वारा जिला अस्पताल में कर्मचारी अधिकारियों के साथ नर्सिंग स्टाफ की बैठक लेकर जिला अस्पताल में व्याप्त समस्या एवं उनके निराकरण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। जिला अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को लेकर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के पश्चात कई खामियों को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर के साथ ही अन्य मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। वहीं वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लेकर भी कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की थी। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद समस्याओं के निराकरण को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर द्वारा जिला अस्पताल के कर्मचारी अधिकारियों के साथ नर्सिंग स्टाफ की बैठक लेकर जिला अस्पताल में व्याप्त समस्या एवं उनके निराकरण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जिला अस्पताल के अधिकारी कर्मचारी के साथ रोगी कल्याण समिति सदस्य गोविंद काकानी मौजूद रहे। निशुल्क शिविर, निशुल्क शिविर, निशुल्क शिविर। महिलाओं की उम्र के हर अहम पड़ाव पर आपके साथ उर्वक्ष क्लिनिक लाए हैं परामर्श के साथ अनावश्यक जांच से मुक्ति। मुक्त चिकित्सा परामर्श शिविर दिनांक 8, 9 एवं 10 जनवरी 2023, जिसमें एक दशक से अधिक की अनुभवी महिला सर्जन डॉक्टर मेहरा घुड़ावत द्वारा महिलाओं की हर प्रकार की बीमारी का मुफ्त जाँच कर उचित परामर्श दिया जाएगा। स्थान उर्वक्ष क्लिनिक, जो की शोरूम के सामने स्टेशन रोड रतलाम। मम्मी, 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 क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी प्लीज, अब पापा को बाहर खाना खाने के लिए मनाओ ना। मैं नहीं बोलूंगी पापा को, पापा आए तो तुम ही बात कर लेना। मैं आज आल की सब्जी बनाऊंगी, तुमको वही खाना है। लो, आ गए तुम्हारे पापा। संभालो अपने बच्चों को। क्या हुआ? आज फिर बाहर खाना खाने की जिद कर रहे हैं। आज हमारे स्टाफ में बात चल रही थी कि रतलाम में एक नया रेस्टोरेंट और भोजनालय खुला है। हमारे स्टाफ के कुछ लोग खाना खाकर भी आए, बड़ी तारीफ कर रहे थे उस खाने की, और उसका मेनू तुम देखोगी तो दंग रह जाओगी। अरे बजट भी कम है। तो चलो फिर। चलो बच्चों, तैयार हो जाओ। कब आ रहे हो? हमारी विशेषताएं कंडे के सिके बाफले, पानी है और चूल्हे पर बनी मक्की की रोटी। केसर कस्तूरी फैमिली रेस्टोरेंट एवं भोजनालय, गणगोरिया हनुमान जी के पास, कनेरी रोड, रतलाम। फोन नंबर 8319022320। तापमान बादलों के छाने की वजह से संभलता हुआ नजर आया और गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री बढ़ोतरी होकर 7 डिग्री पर पहुंचा। वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में हो रही बर्फबारी के असर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं प्रदेश के साथ ही रतलाम शहर के तापमान में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। बादलों के नहीं होने के कारण जहाँ विगत दिनों न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 6 डिग्री पर पहुंच गया था, वहीं अब यह तापमान बादलों के छाने की वजह से संभलता हुआ नजर आया।
और गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री बढ़ोतरी होकर 7 डिग्री पर पहुंचा है। वहीं बादलों के आवाजाही के कारण जरूर अब अधिकतम तापमान में गिरावट महसूस की गई है। अधिकतम तापमान जहां 2 दिन पूर्व 22 डिग्री था, वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भी ऐसे ही तापमान के घटने बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। सड़क, पानी, बिजली, सफाई के साथ ही नागरिकों को आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, तभी रतलाम नगर का संपूर्ण विकास होगा। सड़क, पानी, बिजली, सफाई के साथ ही नागरिकों को आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, तभी रतलाम नगर का संपूर्ण विकास होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संपूर्ण विकास की सोच का ही परिणाम है कि निःशुल्क उपचार हेतु रतलाम नगर में 10 संजीवनी क्लिनिक बनने जा रहे हैं। उक्त उद्गार विधायक रतलाम चैतन्य काश्यप ने विनोबा नगर धोलावाड़ कार्यालय के पास 25 लाख की लागत से बनने जा रहे पहले संजीवनी क्लिनिक के भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नागरिकों का शासकीय अस्पतालों के प्रति विश्वास बढ़े तथा निःशुल्क उपचार की सोच के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लागू किया है। संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो कि प्रत्येक शहर में नागरिकों को उनके घर के समीप ही निःशुल्क उपचार हेतु संजीवनी क्लिनिक स्थापित कर रहा है। कोरोना काल में रतलाम में मेडिकल कॉलेज ने रतलाम सहित आसपास के शहरों के सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई थी। शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि रतलाम शहर हेतु 10 संजीवनी क्लिनिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यहां मरीजों को निःशुल्क उपचार के साथ निःशुल्क दवाई तो प्राप्त होगी, साथ ही 72 तरह की जांच भी मुफ्त होगी। निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा के इस अवसर पर कहा कि रतलाम शहर के विकासवादी सोच के विधायक चैतन्य काश्यप की संपूर्ण विकास की अवधारणा व अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप रतलाम नगर को 10 संजीवनी क्लिनिक की सौगात मिली है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एवं जिला चिकित्सालय कायाकल्प टीम के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय नव उन्नत एकीकृत माध्यमिक विद्यालय हाथीकाना पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एवं जिला चिकित्सालय कायाकल्प टीम के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय नव उन्नत एकीकृत माध्यमिक विद्यालय हाथीखाना पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण पूजन एवं सरस्वती वंदना के साथ अतिथि माधव काकानी, डॉक्टर विपिन दुबे, शिक्षा विभाग के CL सालित्रा, विवेक नागर, जिला रोगी कल्याण समिति सदस्य गोविंद काकानी द्वारा किया गया। स्वागत उद्बोधन काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव गोविंद काकानी ने देते हुए संस्था द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए सभी बच्चों से स्वस्थ रहकर कैसे समाज सेवा की जा सकती है, नन्हे बच्चों को साथ लेकर रंगोली के माध्यम से शहर में उदाहरण देकर बताया। इस अवसर पर उन्होंने बिछड़े साथी युवा होनहार स्वर्गीय दिव्यांश केलवा का स्मरण किया। मुख्य अतिथि काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष माधव काकानी ने अपने जन्मदिन पर आयोजित स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों का संबंध बताते हुए कहा कि जीवन में छोटे से छोटा बच्चा भी उत्तम कार्य करके बड़ों के लिए उदाहरण बन सकता है। घटना छोटी सी थी पर उन 15 लोगों को सबको शर्म आ गई कि देखो स्वच्छता की बात नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री देश के वो पूरे विश्व में इस काम के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनकी बात उस छोटे से बालक के मन में आई। हम सब जब बैठे हुए थे सबको शर्म आई कि देखो एक छोटे से बालक ने सफाई की तरफ इतना ध्यान दिया। डॉक्टर विपिन दुबे कैंसर विशेषज्ञ ने सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय रतलाम के कायाकल्प अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया। तो उसमें क्या करना है कि इससे कि आप आपका जो बाहर का परिसर है उसको साफ का साफ का ध्यान रखना है, आपको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो इससे आप बीमारी से बचे रहोगे और फिर बार बार आपको अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। हम भी जब छोटे थे तो हम भी ऐसी गांव पड़े हुए हैं, मतलब चाट पट्टी बैठते थे। शिक्षा विभाग अधिकारी CL सालित्रा, विवेक नागर, मनीषा गरवाल, नर्सिंग ऑफिसर पुष्पा चौकीकर, ICU इंचार्ज इंजीनियर अनमोल मेहता, राजेंद्र भाई, विद्यालय प्रधानाचार्य व शिक्षिकाओं आदि ने भी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर अपने विचार व्यक्त किए। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कलेक्टर
से मिले निर्देशों के बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए नाहरपुरा क्षेत्र से सड़क पर पसरे पड़े हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की शुरू। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा राजस्व अधिकारी को ज्ञापन। जैन समाज के पावन तीर्थ श्री सम्मेय शिखर जी के पर्यटन वाले अध्यादेश को वापस लेने के केंद्र सरकार के निर्णय पर जैन समाज ने जताई खुशी। शहर विधायक ने भी किया केंद्र मंत्री के निर्णय का स्वागत। जिला अस्पताल में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने समीक्षा बैठक आयोजित की।